दोस्तों आपको किसी भी कारण से पावर की मोटर को काटना है, ट्रैक्शन मोटर को आपको कटआउट करना है। कटआउट करने के लिए आप सबसे पहले मेन मेनू प्रेस करेंगे, कंप्यूटर पे जाएंगे, मेन मेनू प्रेस करेंगे। इसमें कुछ शर्तें हैं, उनको अवश्य ध्यान रखें, नहीं तो हमें फिर से पावर चलाने में परेशानी हो सकती है। आप जैसे मेन मेनू प्रेस करेंगे उसमें आप देखेंगे आपके सामने ये खेल के आया मेन मेनू में, और आप इसमें 4 नंबर पर देख सकते हैं TM कटआउट, ट्रैक्शन मोटर कटआउट। और ये जो कर्सर घूम रहा है 1 नंबर पे, इसे हम अप एंड डाउन राइट एंड लेफ्ट वाली की से डाउन कर सकते हैं, लेफ्ट एंड राइट कर सकते हैं। अभी डाउन की से हम इसको 4 नंबर पे ले आए हैं। अब जैसे ही आप F3 दबाएंगे तो आपके सामने सभी 6 मोटरों का स्टेटस खुल जाएगा, क्या स्टेटस है, कट इन में है या कटआउट में है, जो भी है सारी का स्टेटस खुल जाएगा। F3 प्रेस करेंगे, F3 प्रेस किया हमने, देखिए 6 मोटरों का स्टेटस आपके सामने खुल गया है, 6 मोटर कार्यरत हैं, कटिन में है। अब हमें इनको किसी मोटर को काटना है किसी कारण से, कुछ खराबी के कारण, तो F3 दबा के हम चेंज करेंगे। F3 जैसे ही दबाएंगे तो 1 नंबर मोटर पर आप देखेंगे कि हाईलाइटर आ जाएगा, हाईलाइट हो गई है 1 नंबर मोटर। अब हम अप एंड डाउन लेफ्ट एंड राइट की से किसी भी मोटर पे इसको हाईलाइटर को ले जाएंगे, उसी मोटर का हम स्टेटस चेंज कर सकते हैं। अभी डाउन की से हम 3 नंबर मोटर पे आएंगे, इसको हाईलाइट जो कर रखा हाईलाइटर है इसको हम 3 नंबर मोटर पे लाएंगे, हमें 3 नंबर मोटर को कटआउट करना है, तो हम 3 नंबर मोटर पे डाउन की से लाएंगे उसको। हम 3 नंबर मोटर पे आ गए, देखिए F3 पे कटआउट लिखा है। F3 जैसे ही प्रेस करेंगे तो हमें कंप्यूटर निर्देश देगा रिवर्सल हैंडल न्यूट्रल, मास्टर कंट्रोल हैंडल आइडल, लोको स्पीड 0 और आइसोलेशन इसको भी आइसोलेशन पर अवश्य कर ले। एक परेशानी हो सकती है, नहीं तो आपको बाद में पावर आपका थ्रॉटल रेस्पॉन्स ना करे, आपका लोड मीटर फिर से ना आए, लोड मीटर 0 रहे, इसके लिए ये शर्तें अवश्य पूरी कर ले। उसके बाद में जैसे हमने ओके किया तो पासवर्ड फिलअप करना होगा, यहाँ पे F3 से हमने ओके किया, पासवर्ड फिलअप करना होगा, पासवर्ड हम फिलअप करेंगे। इन शर्तों को आप अवश्य ध्यान करें, ध्यान में रखें, नहीं तो फिर लगता है कि आपका थ्रॉटल रेस्पॉन्स ना करे। हमने पासवर्ड फिलअप किया, जैसे ही F3 दबाया ओके किया, आप देख सकते हैं 3 नंबर मोटर कटआउट में चली गई है, मोटर 3 नंबर ट्रैक्शन मोटर कटआउट हो कट गई है, डिसेबल हो गई है 3 नंबर मोटर। अब हम और किसी मोटर का स्टेटस चेंज करना चाहते हैं तो आप लेफ्ट राइट अप एंड डाउन की से इस हाईलाइटर को उस पर ले जाए और उसका स्टेटस चेंज कर सकते हैं। अभी हम राइट की दबाएंगे, 4, 5, 6 नंबर मोटर की जो रो है उस वाली रो पे आएंगे। देखिए अभी हमने राइट की को प्रेस किया, आप देखिए 6 नंबर मोटर पे, 3 नंबर के सामने 6 नंबर मोटर थी, 6 नंबर पे हाईलाइटर आ गया है। अब की से हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं, 4 नंबर मोटर पे आ गए। अब हम फिर से 1, 2, 3 नंबर वाली रो पे जाना है तो लेफ्ट की को प्रेस करेंगे, मेनू की लेफ्ट को प्रेस करेंगे। देखिए लेफ्ट की को हमने प्रेस किया तो फिर से हम 1, 2, 3, 4 नंबर वाली रो पे चले गए। 1 नंबर मोटर हाईलाइट है आपकी, लेकिन हमें 3 नंबर मोटर को फिर से कट इन में लाना है। तो आप देख रहे होंगे सारी अभी 2 नंबर मोटर पे F3 पे कटआउट आ रहा है, लेकिन हम जैसे ही 3 नंबर मोटर पे आएंगे ऐसे ही कट इन आ जाएगा। हम 3 नंबर मोटर पे आए तो आपने देखा F3 के ऊपर कट इन आ गया, जैसे ही F3 को प्रेस करेंगे तो कटआउट मोटर कट इन में चली जाएगी वापस से। 3 नंबर मोटर थी वो हमने कटआउट कर रखी थी, F3 प्रेस किया कट इन में आ जाएगी। शर्तें वही आपको पूरी करनी है, यदि मोटर का स्टेटस चेंज करना है तभी कंप्यूटर सही से एक्सेप्ट करेगा उसे और आगे पावर कार्य करेगा, नहीं तो थ्रॉटल रेस्पॉन्स नहीं करेगा। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, इसको ज़रूर ध्यान रखें, ये गलती आप बिल्कुल ना करें। इसको आप देखिए 3 नंबर मोटर आप देख सकते हैं फिर से कट इन में आ गई है। इस प्रकार आप किसी भी मोटर को कटआउट और कट इन कर सकते हैं, लेकिन शर्त का आपको मैं आप फिर से याद दिला दूं, आपको बार बार याद दिला रहा हूँ, ध्यान रखना बहुत अति आवश्यक है, नहीं तो आपको पावर चलाने में परेशानी हो सकती है। उस परेशानी से बचने के लिए मैं आपको फिर से बता दूं, रिवर्सल हैंडल को आपको सेंट्रल पर लाना है, थ्रॉटल हैंडल को आइडल करना है, स्पीड 0 होनी चाहिए, आइसोलेशन से आइसोलेशन पे हो। उसके बाद में आप HSP लोको में कोई भी ट्रबल अटेंड करें तो ये इन शर्तों का अवश्य ध्यान रखें, इनका हम ध्यान नहीं रखेंगे तो हमें परेशानी हो सकती है।
आपको पावर ना मिले उसके बाद में, आपका थ्रोटल आप पिकअप करो, थ्रोटल लॉचअप करो और आपका थ्रोटल रेस्पॉन्स ना करे, ये समस्या आपके सामने हो सकती है। तो इस समस्या से बचने के लिए आपको इन शर्तों को ध्यान रखना बहुत अति आवश्यक है। ये शर्तें आप ध्यान नहीं रखेंगे तो आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। आप यहाँ से भी मोटर को कटआउट कर सकते हैं, ट्रैक्शन मोटर नंबर 4 कटआउट कर दीजिए, लेकिन साथ साथ में आपको ट्रैक्शन TCC ब्लोअर 4 भी आपको ब्रेकर ऑफ करना होगा। तो सबसे बेहतर है आप कंप्यूटर से वर्क करें, सबसे अच्छा है। कंप्यूटर वर्क करेंगे तो कंप्यूटर अच्छा एक्सेप्ट करता है, सबसे अच्छा है। इसमें दे रखी है व्यवस्था कंप्यूटर में, तो कंप्यूटर यूज करना चाहिए। थैंक्स दोस्तों, धन्यवाद। दोस्तों आप रेलवे न्यू अपडेट चैनल पे नए हैं, पहली बार आए तो आपसे निवेदन है, लाल बॉक्स में लिखे हुए सब्सक्राइब को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। घंटी के आइकॉन बेल बटन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे जो भी वीडियो आए वो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपके पास में पहुंच सके। और वीडियो को एक बार लाइक अवश्य कर दीजिए या शेयर, यहाँ से आप अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं वीडियो को। और आइए देखते हैं पूरा वीडियो।